नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप थंबनेल को देखकर वॉच करने आए होंगे। जी हाँ, तो कुछ वैसा ही बताने वाला हूँ, ठीक है ना। मैथ्स का किस तरीके से हम हलवा बना सकते हैं उसी के बारे में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें, यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने मोबाइल को हाथ में ले रखा है क्योंकि जिस स्टैंड से बनाता हूँ उससे यार कंफर्ट नहीं है ये दोनों पेज उगाना, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना। तो देखिए मैंने कर क्या रखा है, ये यहाँ पे लिखा है ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, ठीक है। और त्रिकोणमिति के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर आपको नज़दीक से दिखाते हैं, ठीक है। देखिए दिखाई दे रहा है, और जितने भी फॉर्मूला बनते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे के पेज में चलता हूँ, ये देखिए इस साइड छोटे से बड़े सभी फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूले, और जो जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वगैरह लगते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। फिर आगे और देखते हैं, ये देखिए यानी कि फॉर्मूलों को आप सभी फॉर्मूलों को एक जगह लिख लो अलग रजिस्टर में, ठीक है ना। तो ये त्रिकोणमिति के मैंने आपको दिखाए हैं, ये देखिए आगे भी हैं, ये देखिए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो मैं आपके साथ मेरी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ मैथ्स पढ़ने की, ठीक है ना। ये देखिए आगे और भी हैं, तो देख लीजिए इन्हें। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट ये हाइट एंड डिस्टेंस आ चुका है, देखिए इसके भी जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, फॉर्मूले बनते हैं, वो सभी मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। ये चित्र वगैरह भी बनाए हैं, ये देखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये देखिए जो भी ये ट्रिपलेट्स मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। इस साइड देखिए फिर हम आ चुके हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में, तो जितने भी फॉर्मूले हैं क्षेत्रमिति के वो सभी यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं। तो मैं करता क्यों, मैं ऐसे ही करता हूँ कि जो जो प्रश्नावली है ना उनके फॉर्मूले एक अलग रजिस्टर में, अलग कॉपी में, या अलग एक जगह पर लिख लेते हैं और उन्हें बार 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 रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला तो तरीका हो गया आपका यह, क्योंकि आपके लिए दिक्कत क्या बनती है, आप प्रश्नावली को करते हैं ना तब आपको वो बहुत ही शानदार आती है, लेकिन कई दिनों के बाद उसे आप भूल जाते हैं। जब आप उसे दोबारा करने आते हैं तो यही सोचते हैं कि यार मुझे इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भूल गया या फिर फॉर्मूला भूल गया। तो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को साइड में लिख लो और बार 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 याद करते रहो, बस मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख रहे हैं बिल्कुल ये उसी के चल रहे हैं, किसके, मेंसुरेशन के, ठीक है। तो मेंसुरेशन में आपको भी पता है काफ़ी फॉर्मूला है। देन नेक्स्ट पेज पर मैं आ चुका हूँ, आयतन यानी कि वॉल्यूम है, ठीक है। इसके भी सभी फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, और आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए अब ज्योमेट्री आ चुके हैं, ज्योमेट्री में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं, तो मैंने सभी यहाँ पर देखे लिख रखे हैं, ठीक है। अब करता क्या हूँ, जैसे टाइम मिलता है इनको रिवाइज़ कर देते हैं, और क्या मैथ्स आने लग जाती है। अभी एक और तरीका बाकी है, तो इसे देखकर आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। लगभग लगभग मेरे हिसाब से आ चुका है। मैंने इस तरीके से सभी प्रश्नावली के बनाए हैं, सभी चैप्टर हैं जितने भी, चाहे वो अरिथमेटिक का हो या फिर एडवांस मैथ्स, ठीक है ना, सभी के मैंने फॉर्मूले यहाँ पर लिख रखे हैं, आपको दिखा देते हैं। और भी ये सांख्यिकी यानी कि स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है। और देखिए आगे ये प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आ चुकी है, जितने भी कॉन्सेप्ट बन रहे हैं यहाँ से यार क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ये देखिए देख सकते हैं आप जो जो मेन बन रहे हैं, ये देखिए वो कार्ड वाले हैं, जो याद रखने की चीज़ें उन्हें साइड में लिख लो और रोज़ाना याद करो। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट निकलते हैं, तो इनको एक बार और फिर से लिया है कि कुछ छूटे ना, ठीक है ना। आगे दिखाता हूँ मैं आपको अरिथमेटिक है, थोड़े से जल्दी ले लेते हैं। ये देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ चुका है, अब इसमें आप सोचोगे कि यार क्या नोट्स हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आपको हवा तक नहीं लगेगी, ठीक है ना। और खुद के अकॉर्डिंग बनाना है, किसी के अकॉर्डिंग मत जाना है यार, मैं तो उसके जैसे नहीं, खुद की कमियों को देखो और उसके अकॉर्डिंग नोट्स को तैयार करो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर देखिए क्लियर नज़र आ रहा है, जो क्वेश्चन भी कुछ अलग लगे तो उसका कॉन्सेप्ट यार लिख लिया करो, मैं तो यही करता हूँ, क्योंकि हमें कोई ये तो बताना नहीं कि यार हमें सब कुछ आता है, आना चाहिए, ठीक है ना। तैयारी ऐसी करो कि आना चाहिए। देखिए पार्टनरशिप, अब आपको लगता होगा इजी है, हाँ जी हाँ इजी है, लेकिन इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो लिख लो,
ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन के लिए मैंने कौन से पर लिखा है, इसे ध्यान से देखना। किसी व्यापार में कोई व्यक्ति ए ने कुल पूंजी का चौथाई भाग चौथाई समय के लिए, वह ए वह बी ने कुल पूंजी का तिहाई भाग तिहाई समय के लगाया, वह सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए। अब मैंने इसके लिए ट्रिक क्या किया, इस प्रकार के क्वेश्चन में समय एक वर्ष के अकॉर्डिंग व राशि भिन्नों के हर के अकॉर्डिंग माननी है, ठीक है। इससे मैं इस पूरे क्वेश्चन को ध्वस्त कर दूंगा, ठीक है ना। और ये आगे देखिए टाइम एंड वर्क दिखाई दे रहा आपको, बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एरिथमेटिक स्पीड एंड डिस्टेंस के भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से जितने भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है उनको आप अलग रजिस्टर में लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। और बार 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 उन्हें जैसे ही आपको टाइम मिले रिवाइज करते रहो, और जो भी प्रश्नावली आपको निकालनी हो उससे पहले फॉर्मूला को ज़रूर रिवाइज कर लो। एक और ट्रिक अभी भी बाकी है, ये सब कुछ तो आप कर लोगे लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं निकालो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जो आपको क्वेश्चन निकालने हैं ना वो आप मिक्स क्वेश्चन निकालो, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन निकालो कि उसमें सभी प्रश्नावली या एक्सरसाइज सभी के क्वेश्चन आए, एक एक दो दो, ठीक है ना। इस तरीके से जब आप निकालोगे तो बार 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 आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते जाएंगे, और इससे जो आपकी मैथ्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैंने करके देखा है खुद पे, और आप पे भी बिल्कुल ये अप्लाई होगा। तो इस वीडियो को जानकर ये सब ट्रिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।